डिलीवरी फ्यूचर में भी मुश्किल होती है। अमीर लड़कियों को इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। ये रहा ऑर्डर, ये टाइम मशीन है। चलो इसे अभी ट्राई करती हूँ। वाओ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, फ्यूचर में या पास्ट में? हाँ चलो पास्ट में चलते हैं। पहले के टाइम में अमीर लड़कियों के पास नौकरों की पूरी सेना होती थी। ध्यान से मेबल, मेरे पैर बहुत मुलायम है। ओह, पिंकी आ गई। ये क्या है? मुझे मेरी मेड वापस करो विच। ओप्स, क्या कर रही हो? मेरा शू मुझे दो। रुको, ये फ्यूचर नहीं है। चलो भी। ओह नहीं, वॉच खराब हो गई। लगता है हम यहाँ फंस गए हैं। जादू करो। मेरे रॉयल डैड तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये लोग कौन है? जेसिका को किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। अगर वो चोर हुए तो मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। हेलो, कहीं से ये दो लड़कियां आ गई हैं। तो तुम मिलकर रात को पार्टी करने वाले हो? फिर से इस नंबर पर कॉल मत करना। और अमांडा के पास पहले से ही प्लान है। वो पैलेस पर मैसेज भेजेगी। ये हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। डिलीवरी सर्विस काम नहीं कर रही। उड़ जाओ। ये किस तरह के पुराने जमाने के तरीके हैं? तुम्हें बस अपने कॉन्टेक्ट से बात करनी है। और सिग्नल नहीं आ रहा। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में काम नहीं करती। शायद ये अमीर लड़की हमारी मदद कर सकती है। मुझे फ्यूचर में जाना है और इसे पास्ट में जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, घर देखना शुरू करते हैं। ये मेरे काम करने की जगह है। वाओ, ये पूरा थ्रोन है। और ये क्या है? ये बहुत सुंदर है। ये पुराना हो गया। फ्यूचर की फ्लैश ड्राइव देखो। कनेक्ट करो और ये तैयार है। और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो, मेरे पास पीनट्स हैं। चलो इसे यहाँ रखें और इसे दबाएं। रुक जाओ, बहुत देर हो गई। लैपटॉप को नहीं बचाया जा सकता। खा लो लड़कियों, ये बहुत टेस्टी है। लैपटॉप बदलना होगा। मेरे पास और भी बहुत सारे नट्स हैं। नहीं नहीं, ये नट्स के लिए नहीं है। ये बकवास है। अमीर लड़कियों को महंगे रेस्टोरेंट्स पसंद होते हैं। ये पुराना खाना मेरे हिसाब का नहीं है। क्यों ना हम वेटर को बुलाएं? मुझे गोल्ड टेक्नोलॉजी चाहिए और बिल्कुल कैलोरीज नहीं। मुझे ऑयस्टर्स चाहिए। मेरे लिए कच्चा मीट, ये मेरा ऑर्डर है। अमांडा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अजीब क्लाइंट्स हैं, लेकिन इनसे भी बुरे क्लाइंट्स आते हैं। ये लो ऑयस्टर्स, इनकी ऐसी खुशबू होती है। ईयो, मैं बीमार हो जाऊंगी। क्लैम्स, कितना ओल्ड फैशन्ड है। यहाँ एक नई टेक्नोलॉजी है। स्वादिष्ट। ये लो आपका मीट। ये लो सबसे अच्छी मील। मीट से ज्यादा स्वादिष्ट और क्या हो सकता है? पहले के अमीर लोगों ने कभी डाइट के बारे में सुना भी नहीं था। ये स्वादिष्ट है। ये पैसे देने का समय है। ये तुम्हारे लिए है, बाकी रख लो। पेपर, फ्यूचर में अलग करेंसी है। बिटकॉइन, वाओ। और अमांडा पत्थर से पैसे देगी। डायमंड्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर आना लेडीज। टेबल कौन साफ करेगा? ये सर्विस बकवास है। हमें दांत में दर्द हो रहा है। लेकिन जेसिका को पता है कि उसे क्या करना है। तुम सही जगह पर आई हो मैम। मुंह खोलो और बोलो आ। ओह नहीं, जाहिर है पुराने जमाने में डेंटिस्ट नहीं होते थे। मैं ये नहीं करूँगा। मैंने ये करने की बात नहीं की थी। जैसा आप बोलो डॉक्टर, इतने काफी है। ये बेहतर है। इतने पैसों में डॉक्टर दुनिया के सारे दांत ठीक कर देंगे। हो गया मैम, नए जमाने की दवाइयाँ कमाल की होती हैं। अमांडा को नई स्माइल मिल गई। और ब्रश करना मत भूलना लेडी। पिंकी आ गई है, उसके दांत भी ठीक करने हैं। लेकिन तुम पुरानी चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते। इस बारे में सोचना भी मत डॉक्टर। कोई फोर्सेप्स या ड्रिल्स नहीं। फ्यूचर में चीजें बहुत आसान है। सारी फालतू की चीजें फेंक दो और नए दांत अपने मुँह में वापस डालो। वो अच्छी तरह से फिट हो गए क्योंकि ये प्योर गोल्ड है। यहाँ डॉक्टर के पास करने के लिए और काम नहीं है। क्या तुम ठीक हो पिंकी? मैं बढ़िया हूँ, अब हम जा सकते हैं। ये लड़कियों को फैशन के बारे में सिखाने का अच्छा समय है। मैं तैयार हूँ, मुझे बदलो। हम अमांडा को क्या पहनाएं? उसे किसी खास चीज की जरूरत है। लेटेस्ट कलेक्शन से एक ड्रेस कैसी रहेगी? ये पहन कर देखो। बिल्कुल नहीं, लेडीज ये नहीं पहनती। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस अमांडा का नया मॉडर्न लुक। याइक्स, ये ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है। मैं माहिर हूँ।
पिंकी, बताओ ये उस पर अच्छी लग रही है? पूरा समय लो, अपने चमकीले कपड़े वापस लो, इसमें अंडरस्कर्ट या क्रीनो लाइन भी नहीं है। पिंकी अपनी खुद की स्टाइलिस्ट है। अच्छी ड्रेस है, इमेज स्कैन करके इसे असली बना रही हूँ। ये देखो लड़कियों, वाओ कितना शानदार है। फ्यूचर में तुम कपड़ों के कलर्स भी बदल सकते हो। उप्स, कुछ गड़बड़ है। उदास मत हो गर्ल, ये सब के साथ होता है। बिल्कुल सिस्टम एरर, मैं समझ गई, तुम कपड़े नहीं बदलना चाहते। तुम्हें क्या हो गया? ये पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। बिना सेल्फीज के मॉडर्न पार्टी? बिल्कुल नहीं, ये मेहमान पास्ट से आई है, इसे पार्टी बहुत पसंद है। वॉल्ट्स की तरह नहीं लग रहा। अमेंडा हमें पुराने जमाने का डांस ट्यूटोरियल देने वाली है। ओह, उसे देखो, पिंकी को भी डांस करना है। फ्यूचर में हर कोई रोबोट की तरह नाच रहा है। ये इतना अच्छा लड़का कौन है? तुम मेरे हो हैंडसम, कोई उस लव पोशन से अपना ध्यान नहीं हटा सकता। थोड़ा सा छिड़को और हो गया। ओह, ये बदबू कैसी है? कोई खिड़की खोलो, तुम इस पार्टी के लायक नहीं हो, मुझे पकड़ो प्रिंस। ओप्स, विग्स पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, तुमने कुछ गिरा दिया। लेडी बचाओ, लड़की की बदनामी हो गई। अमेंडा बहुत नाजुक है, कम से कम अब ये लड़का फ्री हो गया। हाय, क्या हो रहा है? फ्लर्ट करके समय बर्बाद क्यों करना? चलो इसको स्कैन करती हूँ। ओह नहीं, लगता है ये गरीब है, ये काम नहीं आएगा। दूसरी तरफ जेसिका के पास अभी प्यार पाने का मौका है। लड़की के सामने अपना दांत साफ कर रहा है, ये 100 सालों का सबसे बड़ा गुनाह है। गुड बाय हैंडसम, आज एलेक्स की किस्मत अच्छी नहीं है। घर का सारा काम मेड को करना पड़ता है। नेल्स को पेंट करने में मेरी मदद करो। बॉस की इच्छा मेरे लिए हुकुम है। मेड, मेरे कॉर्सेट को कस के बांधो अभी, और कस के, और कस के। मुझे पतला दिखना है। फ्यू, हो गया लेडी, लेकिन आज सफाई नहीं हो पा रही। एक और अमीर मेहमान आई है। ओह नहीं, पिंकी फंस गई, उसकी टेक्नोलॉजी में शॉर्ट सर्किट हो गया। ये लो, इसे टाइट कर देती हूँ और इसे यहाँ से काट देती हूँ। अब तुम बिल्कुल नई जैसी हो गई। क्या अमीर लड़कियों को कभी किसी ने शुक्रिया बोलना सिखाया है? मेरे प्राइवेट ब्यूटी सैलून में स्वागत है। ओह, एक और थ्रोन। रुको, मैं कहाँ जा रही हूँ? आराम से अमेंडा, ये बस एक स्वीवेल चेयर है। हे भगवान, ओह मेरी लेग्स पर खुजली हो रही है। साफ समझ आ गया कि अमेंडा ने आज तक वैक्सिंग के बारे में नहीं सुना। ये वैक्स है, ये मॉडर्न लड़की की बेस्ट फ्रेंड है। दर्द नहीं होगा, लेग्स पर ये स्ट्रिप चिपकाएं। 3, 2, 1, हो गया, लेग्स सिल्क की तरह मुलायम हो गए हैं। बचाओ, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। अभी बहुत ज्यादा वैक्सिंग करनी बाकी है, मुझे ये सारे बाल निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। पिंकी, तुम्हें भी वैक्सिंग करवानी है? नहीं, फ्यूचर में बहुत सारे ब्यूटी सीक्रेट्स हैं। ये मेरा ब्यूटी बॉक्स है, सही ऑप्शन चुनो और दवाई खा लो। स्वादिष्ट, क्या ये सच में काम कर जाएगा? बिना दर्द के वैक्सिंग होना किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वाह, ये शानदार है, ये ब्यूटी टिप्स मेरा दिमाग खराब कर देती है। अब लड़कियों, ये आज तक की सबसे बड़ी सफलता है। सेल्फीज, कैमरा में देखो, स्माइल करो और 1000 लाइक ले जाओ। तुम्हारी सेल्फीज बहुत पुरानी है, अपने आप को बाहर से देखना चाहोगी? देखो वोला, सिर्फ होलोग्राम, ये सेल्फीज से काफी बेहतर है। और अमेंडा के पास अपने आप को देखने का सबसे अनोखा तरीका है। क्या तुम आज सेल्फीज लेने वाली हो? ये ऐसे काम नहीं करता। चलो मेरी छुट्टियों की फोटोज देखते हैं। ये मैं अपनी नई ड्रेस में हूँ और मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, सुंदर लेकिन इतनी भी नहीं। 1 सेकंड रुको लेडीज, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली आर्ट क्या होता है। ये पिक्चर कैसी है? अर्ली क्लाउड मॉनेट, इसमें 1 महीना लग गया, मैं पोज बना बना कर थक भी गई थी। चलो इस मास्टरपीस को वहाँ रख देती हूँ जहाँ से ये सब को दिखे। पास्ट सुनने में मजेदार लग रहा है। जेसिका को लंबे समय से टैटू बनवाना था, मुझे कुछ खास चाहिए जैसे कि रोजेस, जैसा आप कहो। ओह वाओ, इसमें इतना दर्द क्यों होता है? शांत रहो जेसिका, ये सब ड्रीम टैटू के लिए है। और फाइनल टच गोल्ड डस्ट है, ये बटरफ्लाई है। मेरे रोजेस कहाँ है? इंसेक्ट्स, प्लांट्स, किसे फर्क पड़ता है? मैं आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, अपने पैसे ले लो। अगला, और अमेंडा की खास डिमांड है,
मुझे आर्टिफिशियल बर्थ मार्क बनवाना है यहाँ। एक प्रो के लिए ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत दर्दनाक है। लेकिन इस समय के फैशन में दर्द होता है। इसके पैसे देने के लिए तैयार हो। अमांडा के डायमंड्स खत्म हो गए, लेकिन उसके पास कीमती रिंग्स हैं। क्या ये काफी है? ओह हाँ बिल्कुल। शायद अगली क्लाइंट और भी ज्यादा अमीर हो। क्या आप फ्लावर या इंसेक्ट बनवाना चाहोगी? ओह बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अमीर लोगों के टैटूज कैसे दिखते हैं। सिर्फ सही मोड चालू करो और टैटू अपने आप तुम्हारे हाथ पर बन जाएगा। वाओ! लेकिन तुम्हें इस सेशन के लिए पैसे देने होंगे। अब क्या ऐसा नहीं होने वाला? अमीर लोगों की पसंद बेकार होती है। आज मैं कौन से इयररिंग्स पहनूं? ये या ये? तुम एक बार में नहीं बता सकते। अमांडा जल्दी आओ, मेरे ऊपर कौन से इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं अच्छे से देखो। तंग मत करो लड़की, ये दुनिया के सबसे अच्छे इयररिंग्स हैं। असली विंटेज, आजकल ये ट्रेंडी है। ये मुझे पहनने दो लड़की। इन लड़कियों के दिमाग में फिर से वही पुरानी चीजें हैं। मुझ पर यकीन करो लड़कियों, जल्द ही किसी ने भी इयररिंग्स नहीं पहने होंगे। ये डायमंड इयररिंग्स हैं। हे ध्यान से, ये बहुत महंगे हैं। वो देखो, ये बहुत अमीर दिख रहे हैं। हाथ पीछे करो, तुम्हें ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं पता। चलो पिंकी, हमारा वो मतलब नहीं था। अमीर फ्रेंड्स आज रात को कहाँ जा रही है? लड़कियों देखो, क्लॉक पूरी चार्ज हो गई है। इसका मतलब हम घर जा सकते हैं। खैर, फ्यूचर में वापस, तुम्हारा मतलब पास्ट में वापस। जरूरी चीज ये है कि हम घर जा सकते हैं। जेसिका खुश नहीं है, हम एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं और अब हम अलग हो रहे हैं। जेसिका ये तुम्हारे लिए है, एक याद। शुक्रिया पिंकी, ये ईयर मुझे बहुत पसंद है। अमांडा के पास भी रिच गिफ्ट है, ये तुम्हारे लिए है जेस। ये हमारा खानदानी हेयर लूम है। इस नेकलेस की खुशबू भी पुरानी है। शुक्रिया अमांडा, मुझे तुम्हारी याद आएगी। हमें जाना होगा जेसिका, फिर मिलेंगे। टाइम मशीन ने ठीक से काम किया। क्या मैं सच में घर आ गई? नौकर मेरे लिए डिनर लाओ। पिंकी भी अपने मनपसंद काउच पर पहुंच गई है, लेकिन घर बहुत बोरिंग लग रहा है। काश मैं वापस जा पाती, मेरे फ्रेंड्स के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा।